हरे कृष्ण, मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए, राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। कृष्ण लीला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण को कई रूपों में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा के कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण, और इसीलिए उन्हें विभिन्न संदर्भों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कन्हैया, श्याम, मधुसूदन, अच्युत, राधिका रमण, कंस धनसी, द्वारकाधीश या फिर वासुदेव। विभिन्न नामों से जुड़ी विभिन्न सुंदर लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य एवं मधुर लीलाओं को हमारे वक्ता श्रीमान गौर विलास प्रभु जी अपनी मनमोहक शैली में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान गौर विलास प्रभु जी ने मुंबई के जे हॉस्पिटल एवं ग्रांट मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया। अपने मेडिकल अध्ययन के काल में ही वे इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2010 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी मुंबई के इस्कॉन चौपाटी मंदिर में संस्कृति तथा शिक्षण की भक्ति वेदांत एकेडमी के सदस्य हैं। मुंबई के मीरा रोड मंदिर में भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य करते हैं। इस्कॉन चौपाटी में ही युवा प्रचार समिति के प्रशासक सदस्य हैं तथा मंदिर की ही अन्य विभिन्न सेवाओं के अलावा वे जे हॉस्पिटल, कूपर मेडिकल कॉलेज व सेवन हिल्स हॉस्पिटल में प्रचार का कार्य करते हैं। वह इन सब के साथ ही महाराष्ट्र में भी विभिन्न स्थानों पर भगवद गीता के संदेश का प्रचार कार्य संभालते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्री कृष्ण लीला श्रीमान गौर विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्ण लीला में पुनः स्वागत है। सो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब नंद महाराज और वसुदेव उनके भेंट के पश्चात नंद महाराज वापस गोकुल आ रहे थे, तो वसुदेव ने उनको एक सूचना दी कि आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल वापस चले जाइए, क्योंकि गोकुल में कुछ विपत्तियां आने वाली हैं, ऐसी उनको आशंका हो रही है। तो हमने देखा कि जैसे ही नंद महाराज ने यह सुना तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और इस पे हमने विशेष रूप से चर्चा की कि जब भक्तों के जीवन में कुछ विपत्तियां आती हैं तब क्या करते हैं। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिताः। जब भी भक्त के जीवन में कुछ विपत्तियां आए, संकट आए, तो भक्त का यह लक्षण है कि वह भगवान की शरण ग्रहण करे, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से याचना करे। और भगवान से क्या याचना करनी है यह भी आवश्यक है। भगवान से हमें यह याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी संकट आ रहे हैं, वो मेरे कर्मों का फल है। कृपया करके इस फल को झेलने की, सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, और यह कृपा करें कि आपके ऊपर मेरा विश्वास कभी भी कम ना हो, मेरी श्रद्धा आपके नामों में कभी भी कम ना हो। क्योंकि इस भौतिक संसार का यही लक्षण है, माया देवी का केवल एक ही कार्य है, हमारी श्रद्धा को कम करना। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा का यही लक्षण है कि भक्त हमेशा यही सोचता है कि यदि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान को दंडवत करूं, भगवान की सेवा करूं और अपने दैनिक कार्यों को करता रहूं, तो मुझे भगवान अवश्य संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, और इस श्रद्धा के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर में प्रवचन में बोले सब अपने शिष्यों के सामने कि मैं कभी भी माया देवी के वश में नहीं आ सकता, मैं माया देवी के वश से हमेशा परे रहूँगा। और कुछ समय पश्चात कुछ उनके शिष्यों ने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे।
तो एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, उनको बोला कि मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं माया देवी के वश में कभी ना पड़ूँ। तो वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे प्रभुपाद जी, कुछ समय पहले तो आपने कहा कि आप माया देवी के वश में कभी नहीं आ सकते, और आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं माया देवी के वश में ना आऊं, ऐसा कैसे है? तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि क्योंकि मैं भगवान से नित्य रूप से प्रार्थना करता रहता हूँ, इसीलिए मैं माया देवी के वश में कभी नहीं आऊँगा। तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास रखें, उनके ऊपर श्रद्धा हमारी कभी कम ना हो, यही एकमात्र प्रार्थना होनी चाहिए। इसीलिए हमें हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जैसे ही नंद महाराज वापस गोकुल आ रहे थे, तो इस तरफ कंस ने पूतना को, राक्षसी जो थी वो बालकों का वध करने वाली थी, उसको भेज दिया कृष्ण भगवान का वध करने के लिए। तो पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप बना के ब्रज में आ गई, बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और सुखदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तृत रूप से पूतना की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचेगा अरे सुखदेव गोस्वामी तो एक सन्यासी हैं, वो एक स्त्री की सुंदरता का इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो आचार्य बताते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन रहने वाले थे, भगवान के रूप से उनको कुछ आकर्षण नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये पूतना की लीला सुनी और उनको पता चला कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो स्त्री उनको मारने के लिए आई उसको ही उन्होंने अपनी धात्री का स्थान दे दिया, यह सुन के वो ब्रह्मवादी से भक्त बन गए। तो इसलिए यह उनका बहुत ही प्रिय लीला है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तृत रूप से पूतना की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने वर्णन सुना कि पूतना निसंकोच बिना किसी रोक टोक के भगवान के शयन स्थान पे आ गई, और यहाँ तक कि यशोदा और रोहिणी उन्होंने भी कुछ पूतना को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको लगा कि साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं। तो पूतना ने जैसे ही कृष्ण भगवान का दर्शन किया तो उसको ये पूर्ण विश्वास था अभी तक कि मैं इस कृष्ण को निश्चित रूप से वध कर दूंगी, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण पूतना ने कृष्ण भगवान का दर्शन किया, उसको थोड़ी चिंता हो गई, उसको थोड़ा संदेह आ गया, क्योंकि कृष्ण भगवान का दर्शन करके ही वह बहुत ही भयभीत हो गई। भगवान जो सौम्य वपु हैं, जो बहुत ही सुंदर बालक के समान हैं, पूतना को वह बहुत ही भयभीत भयावह प्रतीत हुए। पूतना बहुत ही भयभीत हो गई, और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण भगवान ने पूतना को देखा तो कृष्ण भगवान ने अपनी आँखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। तो जैसे ही उन्होंने पूतना को देखा जो बालकों का वध करने वाली थी, चराचर आत्मा कृष्ण भगवान जो छोटे बालक के रूप में थे, वो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, उन्होंने निमीलितेक्षण, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर दी। और आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपनी आँखें क्यों बंद कर दी, अनेक कारण बताते हैं आचार्य। तो हम कुछ कारणों का वर्णन करेंगे और हम देखेंगे कि भगवान क्या सोचते हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने पूतना को देखा तो उन्होंने देखा कि अरे पूतना जो है ये क्रूर राक्षसी है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, बालकों का वध करने वाली है, खून पीने वाली राक्षसी है, पिशाची है, इसका मुंह नहीं देखूंगा मैं, यह एक बहुत ही निकृष्ट राक्षसी है, इसका तो मुंह कभी नहीं देखूंगा, इसीलिए अपनी आँखें कृष्ण भगवान ने बंद कर ली। आचार्य बताते हैं हालांकि कृष्ण भगवान पूतना का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे,
लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं वो करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं। फिर भी उन्होंने, हम देखेंगे आगे कि कैसे इस पूतना को जो राक्षसी थी, बालकों को मारने में प्रवीण थी, उसको भी एक उत्तम सर्वोत्तम स्थान दिया, अपनी धात्री का स्थान दिया। तो यह पहला कारण था, भगवान सोच रहे हैं कि मैं इस राक्षसी का मुंह भी नहीं देखूंगा, इसलिए अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली। दूसरा कारण आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने देखा, अरे मैंने आज तक अपनी माँ का बहुत ही अमृत रूपी दूध पान स्तनपान किया है, आज मुझे इस राक्षसी का स्तनपान करना पड़ेगा। ऐसी राक्षसी जो बालकों को मारने में प्रवीण है, ऐसी राक्षसी का दूध मेरे को पीना पड़ेगा। इसीलिए जिस प्रकार छोटे बच्चे यदि उनको एक कड़वा दवाई पिलाई जाए तो अपनी आँख और अपना नाक बंद करके पीते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान जब उनको लगा कि अरे मुझे ऐसी स्त्री का, ऐसी पिशाची का दूध पीना पड़ेगा, तो ऐसा सोच के उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं। तीसरा कारण आचार्य बताते हैं, वो सोच रहे हैं, कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, अरे इस जन्म में, इस अवतार में मैंने प्रण तो लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म का प्रसिद्धि और प्रवृद्धि होती है, तब तब मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ, और राक्षसों को मारने के लिए ही कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं वो सोच रहे थे, अरे इस अवतार में सबसे पहली राक्षसी, सबसे पहला जो राक्षस है जिसको मेरे को मारना पड़ेगा, वो एक स्त्री है, और यह सोच के उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ऐसे अनेक प्रकार के कारण बोलते हैं। चौथा कारण आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो अदोषदर्शी हैं। अदोषदर्शी अर्थात भगवान किसी का दोष नहीं देखते। विष्णु सहस्र नाम में वर्णन आता है, भगवान के दो नाम हैं, निमिष और अनिमिष। निमिष अर्थात भगवान जिनकी आंखें बंद हैं, अनिमिष जो अपनी आंखों को कभी बंद नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है? अनिमिष अर्थात भगवान अपनी आंखों को कभी बंद नहीं करते। जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त उनकी सेवा में लगा हुआ है, उनका गुणगान कर रहा है, तो वो कभी आंखें बंद नहीं करते। वो हमेशा निरंतर एक टक होके अपने भक्त को देखते रहते हैं कि किस प्रकार से वह भगवान मेरी सेवा में लगा हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन ना करे, शास्त्रोक्त कार्य ना करे, तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो किसी भी व्यक्ति की बुराई देखे। इसीलिए कृष्ण भगवान भी आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि अरे इस पूतना ने अपने ये जीवन में या फिर पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है कि नहीं। तो भगवान ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि ये पूतना जो है इतनी राक्षसी है, निकृष्ट कार्य करने वाली है, इसको उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए वह सोच रहे हैं कि कुछ तो अच्छा कार्य किया रहेगा इस पूतना ने अपने ये जन्म में या फिर पिछले जन्म में, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, जब लोग सोचते हैं तो आंख बंद करके सोचते हैं। इसीलिए इससे हम भगवान की मनोवृत्ति से हम देख सकते हैं हमारी मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए। हमारी मनोवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है, एक तो मधुमक्खी की मनोवृत्ति हो सकती है और एक साधारण मक्खी की मनोवृत्ति हो सकती है। तो हम देखते हैं कि यदि एक सुंदर उपवन में जिसमें तरह तरह के फूल खिले हों और एक कोने में थोड़ा कचरे का ढेर हो, तो एक साधारण मक्खी आएगी और पूरे उपवन में, पूरे बागान में जो फूल भरे हुए हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब को छोड़ के वो कचरे के ढेर पे जाएगी और वहाँ का कचरे का रस पान करेगी। और इसके विपरीत
यदि एक जगह पूरा कचरे से भरा हो और एक कोने में कहीं पे एक सुंदर पुष्प खिला हो, तो मधुमक्खी क्या करेगी? वो कचरे के ढेर को छोड़ के वो ढूंढते ढूंढते वो एक पुष्प के ऊपर आके बैठेगी और पुष्प का रस पान करेगी। इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में, मनोवृत्ति में दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। या तो मधुमक्खी की मनोवृत्ति प्रवृत्ति हो सकती है, या तो साधारण व्यक्ति की, साधारण मक्खी की प्रवृत्ति हो सकती है। इस संसार में दोषों की कोई कमी नहीं है। भागवतम में कहा गया है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों का सागर है। यदि कोई सागर से एक बूंद निकाले तो उसमें क्या प्रशंसा की बात हो सकती है। इस संसार में हर एक व्यक्ति में दोषों का सागर है, और यदि हम दूसरों को दोषारोपण ही करते रहें, दूसरों के दोषों को ही ढूंढते रहें, तो उसमें हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे। बड़ा कार्य तब है जब हम हर एक व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं उनको देखें, और इसी प्रकार से हम वैकुंठ का वातावरण बना सकते हैं इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में। यही एक अंतर है। इस जगत में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दोषों को ढूंढता रहता है। आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक फल फूल पक्षी दूसरों के गुणों को ढूंढता रहता है। भागवत में वर्णन आता है कि वैकुंठ में अलग अलग प्रकार के सुंदर फूल खिले हुए हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मादक गंध आ रही है और बहुत ही आकर्षक है। जब अलग अलग प्रकार के पुष्प तुलसी महारानी को देखते हैं, जिनकी गंध इतनी आकर्षक नहीं हो सकती, थोड़ी गंध आती है तुलसी महारानी से, लेकिन इतनी आकर्षक नहीं रहती जैसे कि अलग अलग प्रकार के फूलों से आती है। फिर भी हर सब प्रकार के फूल तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो यह जानते हैं कि यह भगवान की अन्य भक्त है। इसीलिए हमारे जीवन में भी हमको एक मधुमक्खी की प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के दोषों को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके अच्छे गुणों को देखें और अच्छे गुणों की प्रशंसा करें, तब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चौथा कारण था। भगवान सोच रहे हैं कि इस पूतना ने अपने जीवन में या फिर पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है कि नहीं, उसको सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवा कारण आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि यदि मैं आंखें खुली रखूंगा तो मेरी आंखों को देखकर ये पूतना डर ना जाए, और वो पूतना यदि डर जाएगी तो वो मुझे मारने का प्रयास किए बिना ही वापस चली जाएगी, और यदि मुझे मारने का प्रयास नहीं करेगी तो कैसे मैं इसका उद्धार करूँगा। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्य बताते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं। तो हम देखें कि भगवान केवल अपने भक्तों के भले के बारे में सोचते हैं। भगवान यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो उनसे द्वेष करता है, उसको मारने के लिए आया है, उसके लिए भी, उसके बारे में भी अच्छा सोचते हैं। इसीलिए भगवान की मनोवृत्ति से हमें यह समझना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में दूसरों का भला करने का प्रयास करें। तो यह सब देख के कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम विक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत। तो पूतना जो थी वो तीक्ष्ण चित्त थी, कठोर और क्रूर हृदय वाली थी, अतिवाम चेष्टिताम, लेकिन बाहरी रूप से वह एक बहुत ही मृदु सौम्य माँ के समान, माता के समान प्रतीत हो रही थी। वह ऐसा ही था जैसे एक कोश परिच्छदासिवत, एक तीक्ष्ण तलवार जो एक सुंदर मखमली मयान में रखी हो, तो यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वो तलवार कितनी तीक्ष्ण है, कितनी तेज धार वाली है। वरस्त्रिय तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाने जननी ही अतिष्ठताम। तो यशोदा और रोहिणी जब उन्होंने देखा कि यह सुंदर स्त्री है, वरस्त्रिय,
बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी, तो यशोदा और रोहिणी ने भी कुछ प्रयास नहीं किया पूतना को रोकने का। और पूतना ने अनंतम आरोपयद अंकमंतकम, भगवान जो अनंत हैं उनको अपने गोद में उठा लिया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पूतना इतनी मूर्ख थी जैसे कि कोई मूर्ख व्यक्ति एक सांप को रस्सी समझ के उठा ले, वैसे ही पूतना ने अपनी मृत्यु को ही उठा लिया। और जैसे ही पूतना ने अपनी मृत्यु को कृष्ण भगवान के रूप में उठा लिया, तो पूतना का एकमात्र उद्देश्य यही था, पूतना कृष्ण भगवान को मारने आई थी। और पूतना ने मारने का योजना कैसा बनाया था, पूतना ने अपने स्तनों पे ऐसा हलाहल विष लगा रखा था, और वो विष ऐसा था जो तीव्र उसका प्रभाव होता था, सेकेंडों में क्षणों में जो यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई बालक उसको स्पर्श करे तो उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा तीक्ष्ण विष पूतना ने अपने स्तनों में लगा रखा था। तो जैसे ही पूतना ने कृष्ण भगवान को उठा लिया, उसको ये नहीं समझा कि यह उसकी मृत्यु साक्षात स्वयं है, इसीलिए उसने अपने कृष्ण भगवान को उठाया और अपने स्तनों से लगा दिया उनका मुंह, और प्रयास किया कि कृष्ण भगवान स्तनों का स्तनपान करेंगे। और उन्होंने सोचा, पूतना ने सोचा कि स्तनपान करके जैसे ही वो विष भी उनके मुंह में जाएगा और कृष्ण भगवान की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यशोदा और रोहिणी वह यह नहीं समझ पाई। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस संसार की जो माया शक्ति है, भौतिक जो शक्ति है, वह ऐसी ही है, बाहर से बहुत आकर्षक दिखती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक समुद्र के छोर पे थे, किनारे पे थे, और एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद यह समुद्र जो है कितना शांत प्रतीत हो रहा है, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ माया देवी भी ऐसी ही है, दूर से बहुत शांत और सुंदर प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रवेश करें, इस संसार के मोह माया को सहन करने का कुछ उसको प्रयास करें, तो वह हमें अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए माया देवी को छूने का प्रयास यदि किया जाए, तो माया देवी अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसीलिए हम देखते हैं कि पूतना ने भी ऐसा रूप धारण किया कि यशोदा और रोहिणी भी यह नहीं समझ पाएं कि वह उनके प्रिय बालक कृष्ण भगवान की वध करने की इच्छा से वहाँ पे आई थी। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे पूतना ने, जिन्होंने अपने स्तनों पे विष लगा रखा था और कृष्ण भगवान का मुंह उन्होंने अपने स्तनों में लगा दिया, तो आगे कृष्ण भगवान ने पूतना के साथ क्या किया, उसका चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।